नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम आपको सीधा कवरेज दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बाहर से। बिल्कुल डेरा सच्चा सौदा के मेन गेट के बाहर यहाँ पर एक स्टॉल लगा रहे हैं जो लोग काफ़ी समय से इनकी सब्जियों की दुकान है, इनसे जानते हैं ये डेरा सच्चा सौदा के बारे में इनका क्या कहना है, कितने समय से ये यहाँ पर स्टॉल लगा रहे हैं और डेरा सच्चा सौदा के माहौल को लेकर इनका क्या कहना है। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है। सर कितने समय से लगा रहे हैं आप ये शॉप? ये 8-10 साल से लगा रहे हैं। मतलब जब संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी यहाँ थे तब से लगा रहे हैं? तब से लगा रहे हैं जी। सर आप आश्रम के बिल्कुल बाहर यहाँ पर लगा रहे हो, कैसा क्या क्या देखते हो आप, कैसा माहौल रहता है सर आश्रम? यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, गुरु जी ना है तो भी बहुत अच्छा है यहाँ, मतलब ऐसा लग रहा है गुरु जी है। कितने लोग आते हैं सर अब यहाँ? संगत आती है, बहुत संगत आती है, सेवा पे भी आती है। सर जैसे गुरुजी नहीं रहे हैं अभी समाज में नहीं रहे हैं, 3-4 सालों में वो समाज में नहीं है, तो 3-4 सालों से कोई प्रभाव आया, संगत कम हुई है आगे? नहीं जी, कोई प्रभाव नहीं आया, संगत ज्यादा ही है, कम नहीं हुई। लोगों का विश्वास कैसा लगता है सर? विश्वास बहुत अच्छा है जी, पिताजी पे विश्वास है इसीलिए आते हैं, औरों को भी लाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं गुरु जी जल्दी से जल्दी आए और सभी को अनेक नेक रास्ते पे चलाएं और गुरु जी सबको आशीर्वाद बख्शें। सर आप जिस तरीके से उनकी मांग कर रहे हो सर, लेकिन उनके ऊपर तो इतने सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको उनके आरोपों के बारे में? आरोप तो अब गुरु जी जाने हम क्या बताएं। आपको क्या लगता है सर, पर्सनली भी क्या लगता है जो भी आरोप उनके ऊपर? हमें तो ये लगता है गुरु जी अच्छे हैं और जो भी है वो गुरु जी जानते हैं, जैसा भी वो चाहेंगे अच्छा चाहेंगे। उन्होंने समाज के लिए क्या योगदान दिया? गुरु जी ने सभी के लिए नशा छुड़वाए, वेश्यावर्तियों को जैसे पीड़ित थे उनको निकाला और सभी जरूरतमंदों का सहायता किए। क्या मांग करोगे सरकार से सर आप गुरु जी की? सरकार से ये कहेंगे हमें हमारे गुरु जी से जल्दी से जल्दी वापस देने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको। हम डेरा सच्चा सौदा के बाहर जो 8 सालों से ये दुकान लगा रहे हैं, एक शख्स जिनसे अभी आपको हमने मिलाया, इनका कहना है कि काफ़ी लोग आज भी यहाँ पर आते हैं, जितनी जनसंख्या पहले डेरा सच्चा सौदा में आती थी आज भी उतना ही हजूम, उतने ही लोग आज भी डेरा सच्चा सौदा में आते हैं और बता रहे हैं कि संत जी ने समाज के लिए अच्छे कार्य किए हैं और आज भी समाज को उनकी सख्त ज़रूरत है। आप लोग भी अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।